भी देखिए उंगलियां बहुत उठती हैं जब भी एक अंडरगॉड टीम आती है, परफॉर्म करके दिखाती है, बहुत उंदा मारती है, बहुत उंदा खेलती है, लेकिन अंत में जाके WSB एक ऐसी टीम है जिन्होंने मुझे लगता है सारी आलोचना को शांत कर दिया। और अभी शैडो ये डिप है और ऊपर की तरफ खिलाड़ी सवितार बहुत ज्यादा क्रूशियल। ये ग्रेनेड, दो ग्रेनेड को किए जा रहे हैं यहां से, सवितार के ऊपर भी लग सकता है ग्रेनेड, लेकिन अभी के लिए सवितार का ग्रेनेड डैमेज देगा। एक बार फिर से ट्राई किया गया, अभी का ग्रेनेड स्प्रे गॉड को करेगा डाउन। टीम एक्स पाक के सारंग अभी अभी उठे ही थे ये खिलाड़ी, लेकिन अब फटफट से हील करना पड़ेगा और अभी स्प्रे गॉड को उठाना पड़ेगा। सवितार चाहते हैं वहां से ओपनिंग बनाना, लेकिन अभी ये जो ओपनिंग मिली है स्प्रे गॉड के नाम की उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। रिवाइवल की जरूरत है, सारंग हील करते हुए निंजा जॉर्ड राइट साइड को कवर कर रहे हैं और मैक्स बहुत ज्यादा दूर है। इट इज अ 2v4 सिचुएशन। शैडो लो HP पे शॉट्स कनेक्ट किया है, अभी आना चाहते हैं अंदर की तरफ, टीम एक्स पार्क को टेक डाउन करना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे खिलाड़ी पास में है। दैट्स द रीजन, अभी को पता है ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेंगे, स्प्रे गॉड को दोबारा डाउन करेंगे, लेकिन यहां पे सारंग द्वारा कोशिश की जा रही है और अभी अभी एक बार फिर से एक और नॉक निकालते हुए सवितार कम्स इनटू द फाइट। इट्स गोना बी अ 2v1 सिचुएशन, लेकिन अभी क्या कमाल कर दिया है टीम एक्स पार्क को, शट डाउन कर दिया। बार बार लगातार प्रहार चलता हुआ, बट क्या रिवाइवल पॉसिबल है, कुछ ज्यादा कुक ना कर लिया ग्रेनेड, थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट अभी भी आगे बढ़ दिखेंगे फाइनली उस ग्रेनेड के आड़ में, आगे बढ़ते दिखेंगे स्पॉट किया प्लेयर को, मजबूर किया इस गॉड को इस पूरे रिवाइवल को छोड़ने पे, और डैमेज बहुत तगड़ी। अब यहां से पहले तो कंफर्मेशन आएगा, बट क्या विज़गॉड वो हील अप कर पाएंगे। अभी भी ये फाइट जो 1v1 पे ही टिकी है और मैं ये देख रहा हूँ कि तूतू ने दो फिनिशर्स तो सिक्योर कर लिए हैं। क्या 1v3 या 1v4 क्या वो होने वाला है मोमेंट, जो कि आपको यहाँ पर बनता दिखेगा। स्पॉट किया, स्प्रे करने की कोशिश, एक कनेक्शन की कोशिश एक्चुअली डी बेस की, वो एक फटका दोनों ही दिशाओं चलता दिखेगा, तीसरा भी कंफर्म किया। क्या एक 1v4 होने वाला है? यस यस इट इज इट, रेकनिंग है तूतू ने, वो लास्ट कनेक्शन भी ड्यूटी कैफ के, एक्चुअली वो तीन प्लेस थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो तीन फिनिशर्स कैफ के।